और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर ईडी रेस हो चुकी है। कई ठिकानों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। रातू रोड, हरमू सहित कई इलाके में रेड की सूचना। ईडी की बड़ी टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। एक बार फिर ईडी रेस होते नजर आ रही है और कई ठिकानों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। रातू रोड, हरमू सहित कई इलाके में रेड की सूचना मिल रही है। ईडी की बड़ी टीम कार्रवाई में जुटी है। इस बार अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। सीधा हम कॉल करेंगे। इमरान, देखिए एक बार फिर देखिए ईडी रेस हो गई है। अभी कुछ दिन पहले भी छापेमारी हुई थी कई ठिकानों पर, जमीन कारोबारी के ठिकानों पर, अभी फिर से ईडी छापेमारी में जुट गई है। क्या बात है, अरे निकलकर सामने अब तक? देखिए एक बार फिर से रांची में ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। मल्टीपल लोकेशन पर एक साथ यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि रांची के रातू रोड, हरमू, मोराबादी से कई इलाकों पर बच्चे लोग जो पूर्व में ईडी के कई कांडों में इनकी जांच जो है वो बेहद जरूरी थी, इसलिए ईडी की टीम के द्वारा जो है इन तमाम लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल रातू रोड के इंद्रपुरी स्थित जो विजय अग्रवाल नामक एक व्यवसायी है जो कि गैस एजेंसी का संचालक बताया जाता है, उनके ठिकाने पर भी यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई के दौरान जो है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती इस पूरे इलाके में की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें कि जिस तरह से छापेमारी की गई है, तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोकेशन पर यहाँ पूरी कार्रवाई जो है रांची में और रांची के अलावे अन्य ठिकानों पर की जा रही है। तो फिलहाल मामला जो है, इस पूरे मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जानकारी मिल पा रही है कि किसी आईएएस अधिकारी के लिंक से यह पूरा मामला है और पूर्व में चल रहे जांच के हो को ही आगे बढ़ाते हुए इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है। तो देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के आ पाता है। फिलहाल इंद्रपुरी में विजय अग्रवाल नामक व्यक्ति के ठिकाने पर कार्रवाई शुरू की गई है और यहाँ से के अलावे कई अन्य कई ठिकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सीए हो या फिर वैसे लोग जो पूर्व में जो है आईएएस अधिकारी के संपर्क में थे, संपर्क से रहते हुए कई तरह के जो अपने काम काज को अंजाम दिया। हालांकि ये मामला जो है बताया ये भी जा रहा है कि जो पूर्व में नगर विकास जो मंत्री जो थे आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री जो थे, सॉरी माफ कीजिएगा, ग्रामीण विकास मंत्री जो थे आलमगीर आलम, उनके के कनेक्शन से यह पूरी कार्रवाई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, चूंकि सुबह का वक्त है और फौरन ही कई लोकेशन पर एक साथ ईडी की टीम पहुंचनी शुरू हुई है और कई जगहों पर ईडी पहुंच चुकी है। तो तमाम जगहों पर जैसे ही ईडी की कार्रवाई बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो जाती है तब जाकर के सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये किस मामले के तहत जो है ईडी एक बार फिर से रांची में रेड हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी एक बार फिर रेस हो गई है और कई ठिकानों पर छापेमारी एक साथ हो रही है। आपको बताएं कि रातू रोड, हरमू, मोराबादी तरफ छापेमारी चल रही है। ईडी की बड़ी टीम कार्रवाई में जुटी है और लगातार अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।